हेलो दोस्तों, यह है हमारे पास रेडमी नोट 10 फ़ोन और जिसमें प्रॉब्लम है कि चार्ज नहीं होता है, चार्जिंग का फॉल्ट है कस्टमर की तरफ से। तो चलिए आज देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि इससे कैसे रिपेयरिंग किया जाए, और आपको सीसी बोर्ड भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप सीसी बोर्ड भी चेंज कर देते हैं फिर भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता है तो कैसे ट्रेस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक की सप्लाई चेक करेंगे और कैसे क्या करना है, इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन जब भी टाइप सी का आए तो उसका पिन जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो उसे देख लें, अच्छे से क्लीन कर लें और वॉश अच्छे से करने के बाद उसमें देखें कि जो उसकी लाइनें होती हैं, 24 पिन होता है टाइप सी में तो 12-12 एक एक साइड लगती हैं, उनके लाइनों में कोई डस्ट वगैरह ना हो। अगर जंग लग गया है तो उसे नुकीला ब्लेड से आप अच्छे से वॉश कर लें, और जब वॉश कर लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए, हमने इसे परफेक्ट वॉश कर लिया है और फिर हम लगा के चेक करेंगे। वीडियो में मैं आपको डाटा भी इसका शेयर कर दूंगा कि आप कहां से कहां कैसे इसको ट्रेस करेंगे, और बाकी अगर फ़ोन चार्ज नहीं होता है तो आप कौन सी आईसी को चेंज करेंगे और इसका कहां से कहां तक सिस्टम है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। और मैंने इसका खुद से डाटा ट्रेस करके बनाया है और स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा। इसलिए हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमने मदरबोर्ड में सब बोर्ड को फिक्स कर दिया है और अभी हम लोग इसका चेक करेंगे कि फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं होता है। केवल वॉश किया है और उसी को अच्छे से क्लीन किया है, तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसे चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते ही सेम वही फ़ोन है और हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा और वो चार्ज भी होगा। अगर आप चेंज करने के बाद भी वो सही नहीं होता है तो आपको मैं डाटा शेयर कर दे रहा हूँ कि आप कहाँ से कहाँ तक जम्पर लगाएंगे, तो देख लीजिए वीडियो में। यहाँ 5 वोल्ट जैक से आप चेक कर लें और जहाँ पे टिक लगाया है वीडियो को रोक के देख लें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो। ऐसे ही प्रैक्टिकल हार्डवेयर सॉल्यूशन लाता रहता हूँ, फ्लैशिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।